हेलो हेलो तो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में माइनिंग करी थी। तो गाइस, इस वीडियो में ही हम मतलब थोड़ी सी माइनिंग करने वाले हैं, पर इस बार ना मैं मतलब कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, सीधे वीडियो को कट कर दूंगा। क्योंकि तो गाइस, इस वीडियो में होने वाला क्या है, हम थोड़े से और डायमंड मतलब ढूंढेंगे और डायमंड टूल्स वूल्स वगैरह वगैरह सब बनाएंगे। तो गाइस, इस वीडियो में ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है, तो अभी के लिए मैं वीडियो को कर रहा हूँ कट। तो गाइस, 3 घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद गाइस मेरे को काफ़ी ज़्यादा डायमंड मिल गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो भाई अब वीडियो को ऑन कर देते हैं। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको डायमंड की सूरत दिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा डायमंड मिल गए थे। अरे जैसे देखो, मेरी टॉर्च भी खत्म हो गई थी, एक स्टैक मेरे को और बनाना पड़ेगी। ब्यूटीफुल, चलो गाइस इसे माइन कर लेते हैं। कितने हैं? ओ भाई, जैसे मैंने बोला वैसे खत्म होगा। और हाँ गाइस, एक मतलब शानदार चीज़ मेरे को आपको दिखानी है कि आप मेरे कॉबर स्टोन देखना गाइस, के कितने ज़्यादा हो सकते हैं। देख लो गाइस, बस मैंने इतनी माइनिंग करी ना कि मेरे को मतलब कम से कम मिले ना 5-6। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया, जब मैं माइनिंग कर रहा था ना, तो मेरे को जब यहाँ पर डायमंड मिले, तो मैंने एक जब ऊपर वाला एक और था, मतलब यहाँ पर मैं खोद चुका हूँ वो, तो मेरे को अपना मतलब दूसरी वाली वो मिल गई, दूसरी वाली लाइन मिल गई। तो बस अगली बार तो मैं 2 छोड़ के करूँगा, नहीं तो फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। देख रहे हो ना, बस जगह जगह पर डायमंड है, बहुत मेहनत करी है मैंने। चलो ये देखो गाइस, फिर से आ गई मेरी दूसरी वाली माइन, पर कोई ना। ये चलो गाइस, अभी अपन आ चुके हैं। अरे चला गया बुढ़े, क्या नहीं बुढ़ा गई, चला गया अब। वाह बस, जब चला जाऊंगा पता नहीं कभी जाऊंगा, छोड़ो ना भाई, इतनी मेहनत तो करनी है, तो दिमाग खराब हो गया। चलो भाई, जब हम आगे चलते, मेरे को एक और जगह डायमंड मिल गया शायद। हाँ ये भाई, तू के बीच में आ रहा। तो भाई, जब अपन माला माल हो चुके हैं, तो चलो भाई अभी अपन टूल्स बनाना स्टार्ट करते हैं, मतलब अभी अपने बेस पे चलते हैं पहले। अरे गाइस, अभी कहाँ है डायमंड? डायमंड के बिना तो भाई मतलब माइनक्राफ्ट में कुछ जिंदगी है ही नहीं। ओपी, तो गाइस बहुत ही अच्छे से डायमंड मिल चुके हैं हमें, लजीज एकदम लजीज लजीज। चलो गाइस, अभी चलते हैं। ऊपर चलते हैं, मेरे को यहाँ पर स्टेयर्स लगानी पड़ेगी या फिर एक लिफ्ट बनानी पड़ेगी। चलो गाइस, जब तक हम ऊपर जाएंगे तब तक तो वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो थोड़ा काट दूँ, पर अब मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी काटने का। तो वीडियो हो गए, 3 मिनट की वीडियो बनी, जल्दी जा जल्दी जा। तो वह वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे को वीडियो को फिर थोड़ा ऑफ करना पड़ा, कट नहीं करा मैंने, ऑफ करा बस इधर के लिए, थोड़ा ऑन कर दिया वैसे भी। चलो भाई, अपने क्राफ्टिंग टेबल से थोड़े से अपन बना ले, भाई साहब 40 डायमंड कवर स्टोन स्टेज बना ले क्या, चेस्ट तो बना ली होते बस, कितना लग जाएगा कम से कम, थोड़ा सा तो लगेगा, तो 20 बना देते। चलो गाइस, अभी अपन थोड़े बहुत टूल्स बना लेते हैं। पहले स्टिक, एक वुडन स्वॉर्ड मतलब डायमंड की स्वॉर्ड, सॉरी एक एक्स। अरे क्या हो रहा है, स्टिक्स खत्म हो जा रही है हमारे पास। और एक पिक एक्स और एक शवल। तो चलो भाई लोग, अभी हमें इन सब का जरूरत हुआ नहीं है। चलो गाइस, इन सब चीज़ों को अपने
लोग जस्ट वेस्ट में रख देते हैं, बर्बाद कर रहे हैं चीज़ें, है ना वो, है ना वे लोग। चलो चलो चलो, तो गाइस अभी हम जितना अमीर होते थे उतना कोई नहीं होगा माइनक्राफ्ट में। तो चलो गाइस अभी अपन एक मतलब अच्छा सा कवच बना लेते हैं। अबे ये क्या कर दिया मैंने, मेरे को क्या दे दी करा। चलो गाइस ये वुडन की सोच कर दिया मेरे पास, छोड़ दिए। चलो गाइस चलो चलो, जूते कहाँ से आ गए। चलो गाइस फिर पहन लेते हैं कुछ। गाइस कितने मस्त लग रहे हैं हम, है ना गाइस, कितने ज़्यादा मस्त लग रहे हैं गाइस, कितने ज़्यादा मस्त लग रहा है। ओपी ओपी। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहता हूँ। तो गाइस माइनक्राफ्ट की तो काफ़ी दिनों से नहीं आ रही थी, तो अगली वीडियो गाइस मेरा मतलब होगी किसके बारे में, गाइस डेल्यूजार की कलेक्शन में मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसेंटली बुक में पकड़ चुका हूँ, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं डाली अभी तक। तो गाइस अगली वीडियो कलेक्शन के बारे में आएगी, तो तब तक के लिए सी यू ऑल लेटर।